ये लैपटॉप है एसर का। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि जब हम इसको विंडो को स्टार्ट करते हैं तो ये हैंग करता है। जो विंडो 7 का जो लोगो आता है, लोगो पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैंने ये स्टार्ट कर दिया। ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग। जब इसका ये लोगो आएगा तो ये जो है हैंग हो जाता है यहाँ लोगो पे आके। अब यहाँ पे ये हैंग हो गया और इससे आगे नहीं बढ़ता। तो ये लोगो पे आके हैंग हो जाता है और जब तक हम एस्केप की इसकी प्रेस नहीं करते तो ये विंडो हमारा इससे आगे नहीं बढ़ता। अगर हम विंडो एस्केप की ना दबाएंगे तो ये यहाँ पे जाके स्टक हो जाता है। ये लोगो जाता नहीं है इसका जब तक एस्केप की हम प्रेस नहीं करते। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये विंडो का जो लोगो आता है वो हैंग हो जाता है वहाँ पे और आप 1 घंटे 2 घंटे कंप्यूटर लैपटॉप अपना ऑन भी रखेंगे उससे नहीं आगे बढ़ता जब तक एस्केप की आप प्रेस नहीं करेंगे। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी मैंने अंदर जाके भी बहुत सेटिंग करी इसकी। इसके अंदर जो सेटिंग होती है ऑप्शन होते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए वो सब मैं कर चुका था तो भी नहीं हुआ। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि इसका जो कीबोर्ड था वो कीबोर्ड इसका टूटा हुआ था। आप ये देख सकते हैं ये की वगैरह इसकी जो है ये सब टूटी हुई है। तो वो प्रॉब्लम इसकी ना तो कोई मदरबोर्ड की प्रॉब्लम थी ना कुछ प्रॉब्लम थी, सिर्फ ये कीबोर्ड इसका ख़राब था। तो ये कीबोर्ड मैंने नया चेंज कर दिया है। ये आप देख सकते हैं ये मैंने नया कीबोर्ड इसमें लगा दिया है। इसकी मैंने वीडियो बनाई है कि किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं, ये रिप्लेस करते हैं कीबोर्ड को ओल्ड वाले को। तो ये देखिए इसके ये बटन ख़राब थे इस वजह से ये हैंग हो रहा था वहाँ पे, लोगों से आगे नहीं बढ़ता था ये। तो कीपैड आप जब चेंज कर देंगे अगर आपका कीपैड में ख़राबी है, ये ख़राब हो गया है टूट गया है ये इस तरह से, तो आप इसको दूसरा ख़रीद के इस मॉडल का जो आपका लैपटॉप है उस मॉडल का ख़रीद के। तो आप अब मैं आपको इसको फिर से दिखाता हूँ, इसको मैं शट डाउन करता हूँ फिर मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि अब डायरेक्ट खुलता है एस्केप की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने शट डाउन कर दिया है। अब मैं इसकी पावर ऑन करता हूँ और अब मुझे एस्केप की भी नहीं इसकी प्रेस करनी। आप देखिएगा ये अपने आप स्टार्ट होगा, लोगो हैंग नहीं होगा इसका। यहाँ तक तो ये काम करता था जब मैंने इसका कीबोर्ड चेंज नहीं करा था। तो यहाँ पे ये जो लोगो आता है अब जो आएगा यहाँ पे ये स्टक हो जाता है, यहाँ पे इससे आगे नहीं बढ़ता जब तक आप एस्केप की ना प्रेस करें। तो जब मैंने कीबोर्ड चेंज कर दिया अब मैं इस पर कोई की पे नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए खुद अपने आप होगा। तो ये सिर्फ कीबोर्ड की प्रॉब्लम थी जो ये हैंग कर रहा था, यहाँ पे एक जगह स्टक हो जाता था। आप कीबोर्ड चेंज कर देंगे और कोई सेटिंग की ज़रूरत नहीं है तो आपका ये विंडो 7 जो है वर्क करने लगेगा। विंडो 10 होगा या विंडो 8 होगा जो भी होगा तो ये काम करेगा। देखिए कुछ नहीं करना पड़ा, ये प्रॉब्लम थी इसके कीबोर्ड की, कीबोर्ड चेंज कर दिए तो आपका ये जो हैंग हो रहा था स्टार्टिंग में लोगों पे वो नहीं होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।